फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बिक्री करने वाले आरोपी सुखदेव यादव को सुपेला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी द्वारा बुधारू राम यादव की पट्टे की जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया गया था। प्रार्थी बुधारू राम यादव सुभाष चौक सुपेला निवासी की सुभाष चौक स्थित पट्टे की जमीन को आरोपी सुखदेव यादव आदर्श नगर दुर्ग द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर भेज दिया गया था, जिसकी जानकारी प्रार्थी बुधारू को मिलने के बाद सुपेला थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के मार्गदर्शन में सुपेला थाना पुलिस द्वारा फरार आरोपियों के विरुद्ध अभियान चलाकर धरपकड़ की जा रही थी। इसी के तहत धोखाधड़ी के आरोपी सुखदेव यादव की पतासाजी की गई। पतासाजी के दौरान सुखदेव यादव को आदर्श नगर दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी से की गई पूछताछ में उसके द्वारा भूमि को बेचे जाने की बात स्वीकार कर ली गई। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। ये प्रार्थी बुधारू यादव बुधारू राम यादव ने थाना सुपेला में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक आवासीय भूमि है, सुपेला स्थित आवासीय भूमि है, जिसे आरोपी सुखदेव यादव ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से रजिस्ट्री कर दिया है। की सूचना पर पुलिस ने 420-467 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पुलिस विवेचना के अनुक्रम में जो साक्ष्य से संबंधित सारे साक्ष्य लिए, जो अभिलेख शाखा से और नगर निगम से जो जानकारी चाहिए थी वो सब जानकारी लेने के बाद पे जब आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाया गया तो आरोपी को कल दिनांक को गिरफ्तार किया गया और मान्य लड़का सूट किया गया। आरोपी सुखदेव यादव की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा पांडे, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, आरक्षक विकास तिवारी का विशेष योगदान रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।